जॉनर, और उसमें भी जो दर्द भरे नगमे होते हैं. अच्छा, कितने लोगों को पसंद है ये द हार्ट ब्रेक्स, यू नो द हार्ट ब्रेक्स है ना, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स है ना, क्योंकि क्योंकि वाकई में एक अलग ही मज़ा आता है उस प्यार, वो कहते हैं ना सच्ची मोहब्बत वो होती है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाती है ना. तो वैसे ही एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है, आप देख सकते हैं इसके लिरिक्स, मुकम्मल ना हुई चाहत. एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय टी सील्ड प्लानिंग के साथ होने वाली है, तो इसलिए बहुत बड़ी टीम इसमें मौजूद है, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम्स यहाँ पर मौजूद हैं. ऑफ कोर्स द आर्टिस्ट्स एज यू कैन सी, द सिंगर्स एंड द एक्टर्स, वी हैव द डेब्यू सिंगर शौर्य मेहता, एंड उनके साथ जो फीमेल वॉइस हमें सुनने को मिलेंगी, दीपा उदित नारायण जी. Of course, as you can see the faces, the actors, who doesn't know Bhagyashri? How many of you want to see Bhagyashri again in an album? I remember मैंने Bhagyashri जी की जो एक एक एल्बम जो मैंने देखी थी, जिसमें मैंने बहुत डांस किया है कमरे में, यू नो जैसे हम करते थे ना बचपन में, तो मैं तेरे पीछे रह गई ओए दिल जानी. तो उसके बाद आई एम श्योर और भी बहुत से आए, और अब ये भी एक यादगार गाना होने वाला है. एंड वी हैव विद अस द मराठी मूवी सुपरस्टार मिस्टर संतोष मिजकर. हमारी इस एल्बम में हमारी म्यूज़िक टीम ले लीजिए, लिरिक्स ले लीजिए या डायरेक्शन ले लीजिए, सब बहुत ही चुन चुन के सिलेक्ट किए गए हैं, और रादर हम कहेंगे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है. सो वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव देम एज द मेकर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं डायरेक्टर, राइट? जब एल्बम की शूटिंग की बात आती है तो डायरेक्टर के हाथ में पूरी कमान होती है, और वी आर वेरी वेरी लकी दैट आर डायरेक्टर हैज़ बीन अ 3-टाइम नेशनल अवार्ड विनर, मिस्टर शिवाजी लोटन पाटिल. साथ ही साथ हमारे जो को प्रोड्यूसर रहे राजेश भाऊ फड़, और उनको भी हम थैंक्स करना चाहेंगे, ज़रा तालियां हो जाए राजेश भाऊ के लिए. और हमारे बीच एज अ स्पेशल गेस्ट वी ऑल्सो हैव एक्स मिनिस्टर महादेव जानकर जी. महादेव जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर ब्लेसिंग्स. अभी थोड़ी देर में हम स्टेज पर भी आपको इनवाइट करना चाहेंगे एक एक करके. सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले किसको इनवाइट करना चाहिए स्टेज पे? हाँ, शौर्य सर. देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट शौर्य. थैंक यू सो मच गाइस. एम आई ऑडिबल? Yeah, okay. Yes, I think I consider myself very fortunate for, you know, brought everyone together. So I think much credit to him as well. And we have Devraji, who's done some fantastic music, and, you know, Rishiji, who's provided the lyrics. I think they're fantastic people. Shivaji sir, I mean, hats off. A dream hota hai ki T-Series ke banner ke saath uska gana nikle. How did that come along for you? मतलब शुरू से ही आपको पता था कि डेब्यू करेंगे तो टी सीरीज के साथ. आई थिंक यू मे, ये आई थिंक हर एक सिंगर का एक पैशन, ड्रीम या एक टैगलाइन भी होना चाहिए. इट्स लाइक द यशराज, नो, फॉर एन एक्टर. आई थिंक टी सीरीज इज प्रोबेबली द बैकबोन ऑफ द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री. यस, एंड इट्स एक्चुअली व्हाट एक्चुअली हैज अस ड्राइविंग. आई मीन मोर देन हाफ ऑफ अस वॉच बॉलीवुड फिल्म्स, एंड इवन द ऑडियंसेस अब्रॉड एक्चुअली are very interested in the songs that come out from India. And exactly. T-Series is the most subscribed YouTube channel in the world. Absolutely. And you know, it's amazing. I mean, their team is fantastic. If you see the inner workings of T-Series, we've just got a glimpse of it yet with one project itself. There are so many. So, am I allowed to say that? I think we're about, say... Oh, already? Release se pehle hi hume pata chal raha hai ki so many, yani ki lineup. So, breaking news. So, thank you guys for having me. I think for me, it's a very soulful journey as well. Shorya, aaj हम सीधा लॉन्च देख रहे हैं, यू नो सीधा हमें दिख रहा है कि इस बड़े से स्टेज पर शौर्य आ गए हैं, उनका बड़ा सा बैनर लगा है, नामचीन चेहरा जी,
tape recorder. That time it was tape recorder. Yes. As they would play it, and my hand would just go up and start dancing. The moment they'd stop it, so they'd continue to do this for an hour. And that would basically be my exercise today, which I'm doing in the gym. Coming to that, sorry? That's why next dance video bhi hona chahiye, next video. Thank you, sir. But I've carried on further from there on, just loving music overall, and I've appreciated all kinds of music. It's not just, you know, a certain genre or certain kind of music. It's just been like different singers, different performers, different, you know, different languages as well. So I think that's been fantastic. Another thing I think I'm sorry I actually didn't mention, and I think somebody who's been an absolute, I would say a pillar, or let's say an absolute support system for, you know, and I think we've been very kind. We've been very kind for our entire project is Bhagyashri ji, standing right behind me, and I think I was hiding her, and that's why probably because we know how selective she is with her not only selective. Line to wahi hai bichhadne wali, pyar mein dhoka wali. नहीं आजकल वो बहुत आप देख रहे हैं कि स्पेशली क्योंकि टी सीरीज हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दीज एल्बम्स एंड द एल्बम कल्चर दैट वी हैव सीन कि आजकल एल्बम ऐसे आते हैं कि वो मूवी की तरह लोगों के जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. जब ये वीडियो देखोगे आप, आपको लगेगा ये फिल्म का ही गाना है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इसकी फिल्म बना डालो. I think अच्छा एल्बम बना हुआ है वो. हाँ, वीडियो देखोगे. We look forward to come for that release and that launch as well. Yes, yes. आप सबको already invite करते हैं. और मुझे काम मिल जाए. Sir, Patil sir, तो जो and Bhagyashree ma'am is here. Everyone, please welcome, warm welcome to her. Great. Everyone, kindly take your seats. बस अभी उनको स्टेज पे. ये कहानी तो पहली बार मैंने सुनी. शूटिंग में हिम्मत नहीं हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने हिम्मत जुटाई. बिल्कुल ही बात नहीं हुई. सारी जो बात थी वो इन्होंने बात कर ली गाना गा के. सो देयर वॉज नो कॉन्वर्सेशन. पहली बार मिलने भी मुझे ही भेजा था, ये गए नहीं. पहली बार जब मिलना था बागेश्वरी जी से तो मुझे भेज दिया गोवा में. ये गए ही नहीं. सर पहला जो शॉट था मेरा वो मैं कर ही नहीं पा रहा था, तो मैडम ने मुझे हिम्मत दिया. अरे मतलब और इतना हेल्प किया, मैं बोल नहीं सकता. तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अब बोलता हूँ दोस्तों, किसी को भी चाहते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ 100% कुछ ना कुछ मैजिक हो जाता है. And Bhagyashree ji, you've listened to the song, you've worked with this team. What would you like to share? First and foremost, thank you to each and every one of you to be here, to encourage everyone here on Dias. It takes a lot in today's times to release a single album. Ek hi gana release karne ke liye paisa, mehnat, sab kuch lagta hai. Aur फिल्मों जैसा है नहीं जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि भाई थिएटर में नहीं मोनेटाइज करना चलो, थोड़ा इजी होता है, वहाँ पर बेच दो और पैसा रिकवर हो जाएगा या नाम हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू बी हियर टू एनकरेज एवरी वन ऑफ दिस पीपल एंड टू एनकरेज टैलेंट. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल शौर्या कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब ये गाना मैंने सुना, इतना दर्द भरा गाना था, और जब इनको मैं मिली तो लगा पता नहीं कितना, नहीं नहीं नहीं, कितना जोर का हार्ट ब्रेक हो गया था इनका कि ऐसा गाना गाया, इतनी दर्द से गाना गाया. फिर इनकी सुंदर बीवी मिली तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लगता है, पर अब पता चला कि भाई साहब दर्द तो यहाँ पे था. जुड़ा ही नहीं था. सो एक्चुअली इनका हार्ट ब्रेक कहाँ पे हुआ ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर आई होप यू ऑल एंजॉय द सॉन्ग, लाइक द सॉन्ग. आई थिंक एवरीवन्स पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से बनाया गया है. और हाँ, संतोष जी बहुत नर्वस थे, और अब पता चला कि नर्वसनेस के पीछे
क्या कहानी थी, स्टोरी स्टोरी अब पता चले. सो यस, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टीम यह, एंड सबकी इतनी मेहनत थी, इतने लगन से काम करना चाहते थे, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो यस, थैंक यू एंड आई होप यू एन्जॉय द सॉन्ग. थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी, आपने दिल खोल कर हमारे साथ अपनी व्यूज शेयर किए. वी हैव विद अस आर को प्रोड्यूसर मिस्टर राजे भाऊ फड़. राजे भाऊ, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? द बेस्ट प्रोड्यूसर एनी वन कैन गेट. हाँ, तो प्लीज़ आइए एंड प्लीज़ से अ फ्यू वर्ड्स. सौ दिन चला था. ये सभी लोग बार बार ये जता रहे हैं कि वो कितने छोटे थे. मैम, ये कुछ भी जताएं, लेकिन जत ये रहा है कि आप वहीं की मैं हूँ, बाकी सब बड़े हुए हैं. मैं छोटे से गांव से आता हूँ, वो गांव में सौ दिन चला था. और मेरे मैं ज्यादा इसका कुछ ये नहीं है, मैं इनके जो वैष्णव माता का भक्त हूँ, मैं ज्यादा उनके सॉन्ग सुनता हूँ मेरे गाड़ी में ये वो. ओह वंडरफुल. हाँ, टी सीरीज के. और दूसरे मैंने मुही तो कब मैंने अभी मेरे को पद्मावती और वो दो तीन मूवी देखे मुझे याद है. सो यू वांट टू विश शौर्या द बेस्ट. और शौर्या मैं बोलता हूँ ना, वो मैं मिलता हूँ तो शौर्या जी से मेरे को गाने का सुनता हूँ ना मैं भी, तो मैं संतोष जी को मिला हूँ. मैं बोला यार मेरा एक भाई है, वो बहुत बढ़िया गाना गाता है, आप उनको मिलो. मैं परली में था, इलेक्शन चल रहा था हमारा, तो इनका मुलाकात हो गया. मैं बोला इनको गाना गानवा गाने का है, तो आप रेडियो पे और तो मैं बोला इनको बोला कि कुछ भी करो मेरे भाई के लिए, क्योंकि हमारा जो है रिलेशन. हाँ. तो मैं 20 साल से उनको मिलता हूँ और 25 साल से नाम सुनता हूँ. हमारा घर का रिलेशन है जो कि हमारे पिताजी से चलता आ रहा है, उनके घर से वही इतना ही मेरा है, इसलिए मैंने बनाया. और मेरे को जब पता चला कि मैडम जी काम कर रहे, तो मेरे को वो याद आया पिछले मेरे गांव में 100 दिन पिक्चर चला था. तो सर, आपने जब इतना हमें बताया है, इतना कुछ तारीफ की है, तो हम हमारे एक्स मिनिस्टर साहब को भी बुला लेते हैं. प्लीज वेलकम महादेव जानकर जी. वेलकम महादेव जी. मैंने पोस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं बी इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर में गाना. और सर, आई थिंक इसके बाद मूवी की तारीफ करना अलाउड है, ये बताना अलाउड नहीं है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे. और सौर्या जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ. लोटन पाटिल है, सब लोग अच्छे लोग हैं, इसके लिए मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ. थैंक्स सो मच. वंडरफुल. एंड हमारे बीच वेल नोन टीवी एक्टर आमिर अली भी मौजूद हैं. आमिर, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? Okay, you'd like to give your best wishes from there. Double thumbs up from Amir. All right. तो अब आई थिंक बिफोर वी रिलीज, आप सर म्यूजिक कब होना चाहिए? ऑडियो जो है वो पहले सुनना है या फिर रिलीज? हाँ, पहले ऑडियो. गाइज, टीम ने डिसाइड किया है कि वीडियो हम ऑनलाइन ही, जो मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उस पर ही दिखाना चाहते हैं, तो अभी के लिए ऑडियो. रिलीज करते हैं हमारे चीफ गेस्ट किशन कुमार जी के साथ, और उसके बाद एक्सक्लूसिव. हाय गाइस, मैं हूं अर्चना गौतम और आप देख रहे हैं बॉलीवुड की बातें. क्या कहना चाहेंगे अभी, आज क्या चल रहा है यहाँ पे, किस शूट के लिए आई हैं? तो मैं यहाँ आई हूँ म्यूजिक वीडियो के लिए. तो हम लोग एक पंजाबी ट्रैक शूट कर रहे हैं जिसका नाम है नशा ज़्यादा. ये एक पार्टी सॉन्ग है जो मतलब आपकी आजकल जो यूथ पार्टीज करती हैं, ड्रिंक करती हैं, उसके बाद जो नशा होता है, लाइक वो होता है कुछ पैपी सुनने का या पार्टी सॉन्ग सुनने का, तो वही मैं आज परफॉर्म कर रही हूँ. तो मैं इतना चाहती हूँ कि जब ये सॉन्ग आए तो आप लोग भी सुने हर क्लब में इसको मतलब इम्पोर्टेंस मिले और ये हर जगह बजे, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस सॉन्ग से, क्योंकि पूरी तैयारी
खिलाड़ी के साथ है, टीम बड़ी है और सिंगर भी बहुत मेहनती है, तो मैं चाहती हूँ सुपर हिट सॉन्ग हो जाए। ऐसा क्या लगा इस गाने में जब आपने इसको सुना कि आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, ऐसा क्या टच था इसमें? नहीं, इसका जो रैप है ना वो मतलब लाइक टचिंग रैप है, मतलब एक लड़की आती है जाती है धोखा देके चली जाती है, तो मुझे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है इस सॉन्ग में। तो मैंने जावेद सर जो हमारे डायरेक्टर है उनको मैंने बोला कि सर ये सॉन्ग मुझे ही करना है किसी भी हालत में, तो सर ने बोला ठीक है अर्चना ये सॉन्ग हम करते हैं। तो फाइनली मैं आज यहाँ पर हूँ और हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उस दिनों के बाद देखेंगे नशा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, कुछ शेयर करेंगे? मैंने अपने फैंस के लिए 10-11 मूवी को म्यूजिक वीडियो किया हुआ है, इससे पहले हमने 5-6 मूवीज की हुई है, पर अभी मैं यहाँ से थोड़ा बॉलीवुड से हट के थोड़ा साउथ में चली गई हूँ। तो अभी मेरी एक हिंदी मूवी आ रही है मिमोन के साथ, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, उनके साथ मैंने किया है बाहुबली की पूरी टीम की। और उसके साथ दूसरी मूवी मेरी आ रही है IPL, मूवी का नाम है IPL, वो मेरी May 4 को रिलीज़ हो रही है, एज अ लीड में कर रही हूँ। वो IPL क्रिकेट के रिलेटेड है, थोड़ा लव स्टोरी है और बहुत अच्छी है क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। आई होप कि वो मूवी भी सुपर हिट हो। अभी होली आने वाली है तो अपने फैंस के लिए कुछ विशेष देंगे? ये गाना सरप्राइज में तो नहीं है कहीं होली के लिए? मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि होली आने वाली है और जैसा कि आपने देखा है काफ़ी शोज होते हैं, काफ़ी इवेंट हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं कर रही हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि होली से पहले इस सॉन्ग को रिलीज़ किया जाए जिससे कि मैं भी अपने इवेंट पर ये सॉन्ग बजा सकूँ और जितने भी होली में जो भी इवेंट हो रहे हैं वो लोग इस सॉन्ग को बजा सकें। लगता है नशा ज़्यादा, आपको भी पता है होली पे भांग सभी पीते हैं। ऐसा कितना सपोर्ट करती हैं आप नशे को लेके? चलो ये तो गाना है, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है, लेकिन रियल लाइफ में कितना सपोर्ट करती हैं आप? देखो नशा, देखो अगर हम लोग अल्कोहल हानिकारक होता है, हाँ नशा की तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, बट मैं नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरा घर का नाम आशु है, कि आशु किसी भी गलत चीज़ों को अपना आदत मत बनाओ। पर हाँ इंसान, मैंने ऐसे सुना है कि इंसान बहुत टेंशन होता है तो ये छोटा छोटा ड्रिंक कर लेता है, तो ये कोई बुरी नहीं है, आप लिमिट में करो, थोड़ा करो, पर जो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है वो थोड़ा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए भी। तो मैं तो सपोर्ट नहीं करती हूँ नशे को, पर मैं अपने गाने को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तो गाइस आप देखते रहिए बॉलीवुड की बातें, और जब हमारा सॉन्ग आएगा उसको भी देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप देख रहे हैं बॉलीवुड की बातें। क्या कहना चाहेंगे अभी, आज क्या चल रहा है यहाँ पे, किस शूट के लिए आई हैं क्या? तो मैं यहाँ आई हूँ म्यूजिक वीडियो के लिए, तो हम लोग एक पंजाबी ट्रैक शूट कर रहे हैं जिसका नाम है नशा ज़्यादा। ये एक पार्टी सॉन्ग है जो मतलब आपकी आजकल जो यूथ पार्टीज करती हैं, ड्रिंक करती हैं, उसके बाद जो नशा होता है लाइक वो होता है कुछ थोड़ा पैपी सुनने का या पार्टी सॉन्ग सुनने का, तो वही मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि जब ये सॉन्ग आए तो आप लोग भी सुने और आपको बहुत अच्छा लगे। तो गाइस आप देखते रहिए बॉलीवुड की बातें, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट। कितनी उम्मीदें हैं इस गाने से आपको लेकर, क्योंकि इस तरह के गाने और भी बहुत आते रहते हैं मार्केट में, तो कितना अलग होगा ये? मैंने काफ़ी सॉन्ग सुने हैं पर ये पार्टी सॉन्ग मेरा पहला सॉन्ग है, तो मैं भी चाहती हूँ क्योंकि हर किसी आर्टिस्ट को एक इच्छा होती है कि उसका गाना हर क्लब में बजे, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सॉन्ग आ रहा है पार्टी सॉन्ग आ रहा है ये हर क्लब में इसको मतलब एक इम्पोर्टेंस मिले और ये हर जगह बजे, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस सॉन्ग से, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ है, टीम बड़ी है और सिंगर भी बहुत मेहनती है, तो मैं चाहती हूँ सुपर हिट सॉन्ग हो जाए। ऐसा क्या लगा इस गाने में जब आपने इसको सुना कि आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, ऐसा क्या टच था इसमें? इसका जो रैप है ना वो मतलब लाइक टचिंग रैप है, मतलब एक लड़की आती है जाती है धोखा देके चली जाती है, तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस सॉन्ग में। तो मैंने जावेद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैंने बोला कि सर ये सॉन्ग मुझे ही करना है किसी भी हालत में, तो सर ने बोला ठीक है अर्चना ये सॉन्ग हम करते हैं। तो फाइनली मैं आज यहाँ पर हूँ और हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उस दिनों के बाद देखेंगे नशा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, कुछ शेयर करेंगे? ओके, मैंने अपने फैंस के लिए
Two lines of Punjabi. Done. Ah. Thank you. Okay. So as per Bhagyashree ji's request and your request, I'm going to try and sing the Punjabi song. I hope you like it. Taali, everybody. Mukammal na hoi chaahat किसी तो की गिला करिए मुकम्मल ना हुई चाहत किसी तो की गिला करिए जे I'm not gonna say the further because थोड़ा तो सस्पेंस रखना पड़ता ना गाने लगा था मैं बोला यार आगे हम लोग रिलीज क्या करेंगे फिर